वेलकम टू सिंगापुर यूनिवर्सल स्टूडियो। अब हमारा पहला काम होगा, हमको केबल कार की लाइन में लगना है। मॉर्निंग, हम लोग रेडी हैं बाना हिल्स जाने के लिए, जहाँ पे केबल कार राइड है और गोल्डन ब्रिज है और सन वर्ल्ड अम्यूज़मेंट पार्क है। बेसिकली ये सब अम्यूज़मेंट पार्क का ही पार्ट है। उसके आपको सन वर्ल्ड अम्यूज़मेंट पार्क पे ही जाना पड़ेगा, तभी आप गोल्डन ब्रिज पे भी जा सकते हो। तो अभी सुबह के 7:15 हो रहे हैं, हम लोग बस ब्रेकफास्ट करके निकलने वाले हैं। यहाँ से 45 मिनट का राइड है, तो चलिए चलते हैं। ब्रेकफास्ट हो गया, अभी हम निकल गए हैं अपना स्कूटर लेके बाना हिल्स के लिए, यानी कि गोल्डन ब्रिज के लिए। यहाँ से 45 मिनट्स लगेगा, तकरीबन 30 किलोमीटर है। अभी देखते हैं कितना देर में हम पहुँचते हैं, और रास्ते में पेट्रोल मिलेगा तो पेट्रोल भी भरवाना है अपने को। वियतनाम जब भी आने का सोचते थे तो ये गोल्डन ब्रिज हमेशा ऐसा दिमाग में आता था। जब से ये ओपन हुआ है तो एकदम से फेमस हो गया है, तो आज हम वहाँ जा रहे हैं उसको देखने के लिए। रुक रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए, अभी और 15 किलोमीटर बचा है, मिडवे हुआ है अभी हमारा। तो इट्स बेटर कि आगे पता नहीं पेट्रोल पंप मिले नहीं मिले, टेंशन हो जाएगा तो भरवा लेते थोड़ा बहुत। तो वही तो है हुंडई 810 ग्रैंड, यही मॉडल आते हैं इंडिया में भी। How much? Oh yeah. 10,000. 1 year of payment of that. Okay. 2. तो अभी एकदम से बारिश चालू हो गया, अभी भी 13 किलोमीटर बचा हुआ है। पेट्रोल जस्ट भरवाया था तो अभी हमने 2 रेनकोट खरीद लिए हैं। 10,000 का एक रेनकोट है, मतलब तकरीबन 30-32 रुपये। वाह, और बारिश भी कम हो गया, बट इट्स बेटर। अभी आगे और जाना है तो बारिश हो सकता है, तो इसको ले ही लिया हमने। अब इसको पहनेंगे और आगे निकलेंगे। तो आफ्टर अराउंड 1 आवर राइड, हम लोग मज़े से ऐसे रास्ते में पेट्रोल भी भरवाया और बारिश हुआ था तो रेनकोट ख़रीदा। 1 घंटा लग गया। अब हमारा पहला काम होगा, हमको केबल कार की लाइन में लगना है। अभी यहाँ से कितना टाइम लगेगा अंदर जाने में कुछ नहीं पता। पार्किंग ढूंढते भी थोड़ा टाइम लग गया 2-व्हीलर की। एंड रोड की बात करूँ, एज़ यूजुअल रोड की तारीफ़ करते हम लोग थक नहीं रहे। रोड इतना अच्छा है यहाँ तक आने का कि 2-व्हीलर से एकदम आराम से हम लोग आए, कोई फील नहीं होता। और आपको ये फील नहीं होगा कि आप पहाड़ पर आ रहे हैं, एक्चुअली तो पहाड़ ही है, बट आपको एकदम फील नहीं होगा। रोड इतना बड़ा चौड़ा साफ़ सुथरा, विदाउट ज़्यादा कोई टर्न्स नहीं है। तो ऑल इन ऑल बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था और व्यूज़ आपको बहुत अच्छे आएंगे। अब हम जा रहे हैं क्योंकि टाइम कम है, बहुत सारे लोग ऑलरेडी आ चुके हैं और हम लोगों ने ऑनलाइन टिकट लिया हुआ है, तो होपफुली उसका कुछ अपने को फ़ायदा हो, हमको क्यूज़ में नहीं लगना हो। क्योंकि हमने पढ़ा था कि टिकट लेने के लिए लंबे कतार में आपको रहना पड़ता है। तो अभी हम चलते हैं और जाके देखते हैं हमारा टिकट का हमको क्या फ़ायदा होता है।
भीड़ देखिए भाई साहब, भीड़ देखिए, अभी दिखाता हूँ। हम लोग 8 बजे निकले, 9 बजे पहुँचे हैं, तो लग रहा अभी 7 बजे पहुँचना चाहिए था, 7 बजे ही ओपन होता है। आई कांट इमेजिन कि गोल्डन ब्रिज पे कितना ज़्यादा रश होगा। आई थिंक हमको थोड़ा जल्दी जल्दी चलना चाहिए ना। ये है सन वर्ल्ड, तो यहीं से चलो। तो बेसिकली अपने को यहाँ पे सन वर्ल्ड में आना है। बाना हिल्स एक जगह है, उसके अंदर सन वर्ल्ड एक अम्यूज़मेंट पार्क है। अम्यूज़मेंट पार्क के थ्रू ही आप, उसमें केबल कार है, वहाँ से ही आप जा सकते हैं गोल्डन ब्रिज के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड। हम लोग अपने टिकट के साथ रेडी हैं, एकदम रेडी स्टडी पो, रेडी स्टडी पो। ओह माय गॉड, झंडे वाले लोग। हम लोग लिटरली जल्दी जल्दी आगे जाने का कोशिश कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा भीड़ है और ऑलरेडी 2-3 मिनट हमको वॉक करते हो गए, तो काफ़ी अंदर जाके है पार्किंग लॉट से। इट्स लिटरली लाइक यूनिवर्सल स्टूडियो, जैसे सिंगापुर में है, जैसा वो एक आइलैंड पे जाके है, अलग अलग जगह पे अलग 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 स्टेशन बने हैं अलग अलग चीज जगह जाने के लिए, वैसे ही यहाँ पे भी वैसा ही हो रहा है। 2-3 स्टेशन हैं और अपने को अब केबल कार से जाना है गोल्डन ब्रिज के लिए, बट बहुत लंबा वॉक है। लेकिन फाइनली लग रहा है अब हम पहुँच रहे हैं, हमको दिख रहा है। क्लोक से टिकट लेने का ये इतना इजी था, कोई टिकट की लाइन में नहीं लगे, जस्ट आके अपना बारकोड स्कैन किया, आपने देखा होगा, और अभी हम वेट कर रहे हैं। कितने लोग हैं हमारे सामने, आई थिंक 2-4 मिनट में नंबर आ जाएगा, क्योंकि कंटिन्यूसली केबल कार्स आ रहे हैं। अपने यहाँ हम इसको गंडोला बोलते हैं, गंडोला राइड है ना। फाइनली और अब हमारा नंबर आने ही वाला है। चल पड़ा है भैया हमारा गंडोला, अभी हम आपको व्यूज दिखाएंगे गंडोला से। सामने वाटरफॉल भी है। वेलकम टू सिंगापुर यूनिवर्सल स्टूडियो।
बट दिस इज़ नॉट यूनिवर्सल स्टूडियो, दिस इज सन वर्ल्ड दनांग वियतनाम एंड इट्स लाइक यूनिवर्सल स्टूडियो. पीछे देखिए जरा व्यू. केबल कार जो था इतना ज़्यादा लंबा था ना, आई थिंक 15 मिनट का होगा. अभी जब हम वापस जाएंगे ना तो मैं उसका टाइम नोट करूँगा वो कितने टाइम का था. और व्यू तो जो एकदम एकदम मस्त झकास व्यू आ रहा था. अभी हम लोग सबसे पहले जाएंगे गोल्डन ब्रिज, जो कि आइकॉनिक पॉइंट है यहाँ का, जिसके लिए ज़्यादातर लोग आते हैं. बाकी तो अम्यूज़मेंट पार्क है जैसा यूनिवर्सल स्टूडियो है. तो सबसे पहले गोल्डन ब्रिज जाते हैं, उसके बाद बाकी की सन वर्ल्ड को हम एक्सप्लोर करेंगे अपने बचे हुए 2-3 घंटों में. फिर उसके बाद वापस जाएंगे दनांग सिटी. एक बात बोलना चाहूंगा कि इस लाइफ में मेरा दनांग पार्ट 2 जरूर होगा. ये दनांग पार्ट 1 है, दनांग पार्ट 2 कमिंग सून.